नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में आपका एक बार और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं के लिए लेकर आया हूँ हिंदी विषय का जो है जयेंद्र कुमार का 12वां जो है पाठ। ठीक है, तो इसको जो है जीवन परिचय हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जयेंद्र कुमार आप नाम याद रखिएगा, बिल्कुल नाम ही आप याद रख लीजिएगा, जयेंद्र कुमार। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान याद रखिएगा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, जो कि 1905 में इनका जो है जन्म हुआ था। इनका जन्म 1905 में हो जाएगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो परख हो जाएगी, आनाम स्वामी हो जाएगी, सुनीता हो जाएगी, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास हो जाएगा इनका, बतायन हो जाएगा, और एक रात हो जाएगी, दो चिड़िया हो जाएंगी, फांसी हो जाएंगी, नीलम देश की राजकन्या हो जाएंगी, पाजेब, कहानी संग्रह हो जाएगा इनका, और प्रस्तुत प्रश्न हो जाएगा, है ना, जड़ की बात हो जाएगी, पूर्वोदय हो जाएगा, और साहित्य का श्रेय और प्रेय हो जाएगा, सोच विचार, इसी के साथ में समय और हम, जो कि विचार प्रधान निबंध संग्रह है इनका। तो आप इनमें से कम दो या तीन रचनाएं तो जरूर याद रखिएगा, कम से कम तीन रचनाएं आप याद रखिए, ताकि दो तो आपको याद और याद रहे। तो प्रमुख रचनाएं में इनका आप परख याद रख लीजिए, और त्यागपत्र याद रख लीजिए, और जो है मुक्तिबोध इनका उपन्यास याद रख लीजिए। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर जो है एक रात, दो चिड़िया, और जो है परख, त्यागपत्र, इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है, एक परख याद रख लीजिएगा, एक त्यागपत्र याद रख लीजिएगा, है ना, दो चिड़िया याद रख लीजिएगा, और जो है आप जो है जड़ की बात भी याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से चार पांच रचनाएं जरूर याद रखिएगा आप, और याद रखिएगा 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जयेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था। इनके प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, उसी के साथ में भारत भारती सम्मान भी इनको दिया गया है जयेंद्र कुमार जी को। जी हाँ, और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, और इनका निधन सन 1990 में हो गया था। चलिए इनकी कुछ लाइन यहाँ पर दी गई है, इसे पढ़ लेते हैं, उसके बारे में इनके बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद में इन्होंने जो लेशन लिखा है, इन्होंने जो इनका गद्य लिखा है बाजार दर्शन, इसमें क्या बताया है उसके बारे में थोड़ी सी इनका सार संग्रह देख लेते हैं। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बताया, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़ करके जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। बिल्कुल सही बात है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं वह यथार्थ की विकटता से जो है कैसे जो है निरुत्साहित हो सकता है। बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। चलिएगा इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। हिंदी में प्रेमचंद्र के बाद में सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जयेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और जो है वैविध्यपूर्ण है। तो प्रेमचंद्र के बाद दूसरा नाम जयेंद्र कुमार जी का आता है जो है कथाकार के रूप में महत्वपूर्ण में से। अपने उपन्यासों और जो है कहानियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। तो इन्होंने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से जो कि इन्होंने लिखा है, एक मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्धन इन्होंने किया है, प्रवर्तन इन्होंने किया है। परक और सुनीता के बाद में 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभूत प्रतिष्ठा दिलाई है। तो इन्होंने बताया कि परक और सुनीता इनकी दो रचनाएं हैं, इसके बाद में इन्होंने जो है 1937 में जो है एक त्यागपत्र नाम की जो है रचना प्रकाशित की, जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में, है ना, यहाँ पर प्रतिष्ठा लाई है इनकी। इसी तरह से खेल भी इन्होंने पाजेब और नीलम देश की राजकन्या भी इन्होंने लिखी है ना। नीलम देश की राजकन्या आप याद रख लीजिएगा, इनका बहुत ही अच्छा रचना है ना। और जो है अपना अपना भाग्य भी आप याद रख लीजिएगा। तो तत्सत जैसी जो है कहानियों भी को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता इनको मिल चुकी है। उसी के साथ में कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की जो है पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने जो है समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत
से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। चलिए इनके बाजार दर्शन में इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बाजार दर्शन जैनेन्द्र का जो है एक महत्वपूर्ण निबंध है, ध्यान रखिएगा, है ना, बाजार दर्शन एक जो है निबंध है जो कि जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है ना, इस जिसमें जो है गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का जो है दुर्लभ संयोग जो है देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पहले एक डेढ़ दशक पहले ही शुरू हो गई थी, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इन्होंने जो है बाजार व्यवस्था के बारे में बताया कि कैसे इसमें होता है सब कुछ। उसके बाद में इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भली भांति से समझने समझाने की जो है कोशिश भी की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं जो है किस चाकों की तरह इन्होंने बताया है। उसी के साथ इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने आनीति शास्त्र बताया है, ठीक है, अर्थशास्त्र को ही उन्होंने जो है आनीति शास्त्र बताया है। इसी के साथ में बाजार व्यवस्था का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही जल्द। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मित्रों, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।